हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुशक्राफ्ट कैंपिंग पार्ट टू। पार्ट वन का वीडियो जो है, मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा शायद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और अभी गाइस, सबसे पहले हम लोग सूखा लकड़ी चाहिए, सूखा लकड़ी थोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि शाम हो चुका है। अभी रात को हम लोग खाना बनाने के लिए सूखा लकड़ी चाहिए। बारिश हो जाएगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, क्योंकि घर से हम लोग गैस वगैरह वगैरह कुछ लेके नहीं आए हैं। और गाइस, मुझे पता है आपका भाई हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा से नहीं बोल पाता है, लेकिन आप लोगों ने इतना सारी प्यार दिया है, ढेर सारी प्यार मुझे दे दिया है, और उस नागालैंड से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल चुका हूँ, तो बहुत खुश हूँ गाइस। ऐसा ही सपोर्ट करते रहना दोस्त लोग। आपका भाई एक दिन नहीं तो एक दिन एकदम 100% मस्त हिंदी सीख जाएगा गाइस। और मुझे भी और ऑफ नागालैंड बहुत घूमने का मन है, लेकिन एक दिन नहीं तो एक दिन वो भी टाइम आएगा। सबसे पहले मैं ओडिशा जाएगा, ओडिशा, क्योंकि ओडिशा से बहुत सारे फ्रेंड हो चुका हूँ मेरा भी, और मेरा एक राजेश भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा पैक पैक नहीं करता हूँ, काम में लग जाता हूँ, क्योंकि बारिश होने से बहुत तकलीफ हो सकता है। चलो सबसे पहले सूखा लकड़ी ढूंढ लेता हूँ। ये से तो नहीं होने वाला। सुखा रखी कैसे? चलो भाई, चलो जी, बताऊँ इसको कट के नीचे में छुपा के रखता हूँ। गाइस, एकदम शाम हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेके यहाँ पे नदी में नहाने के लिए आया है। ये देखिए, मेरा दोस्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि हम लोग दिन में काम करते करते पूरा पसीना पसीना, ऐसा तो नहीं सो सकता है हम लोग, तो यहाँ से हम लोग नहा लेगा, और ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट जैसा रास्ता है, तो आने का टाइम थोड़ा रास्ता भी बना के आया हम लोगों ने, क्योंकि जाने का टाइम ये पसीना निकलने से और सोने का टाइम अच्छा नहीं लगेगा ना, तो चलो जल्दी रात होने से पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा फ्रेश अप कर लेता हूँ। ये लाइट चालू करो, चलो खाना बनाएगा। वाह, फ्रेश तो हो चुका है, आराम से सोएगा। गाइस, यहाँ पे लाइट चुकर करके रखता हूँ, हम लोग आराम से इसमें सो सके। हाँ, ये हो गया लाइक। चलो वाह, तो देखिए गाइस, आज रात हम लोग यहाँ पे आराम करने वाला है, और आराम से सो सकता है, क्योंकि ऊपर में भी इतना अच्छा से बना के रखा है हम लोगों ने, तो सबसे पहले जाके खाना बना के खाएगा। तो लेट्स गो।
पता नहीं तो बहुत करवा लगता है। तो हमने ये पोर्क जो है अच्छा से मसाला मिक्स करके और रोस्ट करके रखा है। उसके बाद ये बेम्बू सूप जो है अभी ये अच्छा से बॉयल होने के बाद हम खाना खाएगा और आराम से यहाँ पे सो जाएगा। अभी हो गया 8:30 बजे हो चुका है, टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। लेकिन हवा जोर से हवा नहीं आना चाहिए, अगर जोर से हवा आ गया तो ये सब और गिर जाएगा, तो बहुत मुश्किल पड़ सकता है हम लोग। लेकिन होप करता हूँ कुछ तो नहीं होगा, शायद हमने भी अच्छा से बनाया है। सब रात यहाँ पे गुजरने का हम देखिए बहुत रात हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको बाहर में, और सब कुछ ऊपर में देख मेरा फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके रखा है एक फोन जो है, और नीचे में हम लोग ये वाला लाइक लगाया है क्योंकि वहाँ पे नीचे से हम लोग खाना बना रहे हैं। और मच्छर भी नहीं है क्योंकि नीचे से हम लोग आग चलाया है तो पूरा ऊपर में धुआं आ जाता है, तो मच्छर भी नहीं है यहाँ पे, एकदम मस्त हो जाएगा। मॉस्किटो नेट नहीं चाहिए, आराम से सो सकते हैं। देख मेरा भाई जो है गर्मी लग रहा है करके पूरा कपड़ा भी खोल के रखा है। हाँ, और ये बेम्बू सूट थोड़ा हल्दी ऐड करने से कलर जो है देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। उम्मीद है तुम्हें दलेच गाना ओ इलेला गाइस, वो जो बनाना का पानी जो है देखिए बारिश हो रहा है। ये थकान बंद करके रखा है, दिखाता हूँ फिर से कितना जमा हो गया है। हम लोगों ने ये पानी ये देख, वाह फिर से इतना जमा हो गया है, ज्यादा छिंग लगा। ओह हाँ, कुछ ऊपर में चूहा दिखाई दे रहा है क्या? अरे यार लेकिन क्या करेगा, वो भी तो बारिश हो रहा है उसका वजह से अंदर जाके सोने के लिए कोशिश कर रहा होगा शायद। अरे पूरा जंगल में ऐसा लाइट लेके घूमना चाहिए गाइस, वाह। अभी ऐसा दोष मारने के टाइम वहां में भूत दिखाई देगा तो क्या करेगा, हम करके उसको चिल्लाएगा। गाइस हम लोगों का पोक का हालत कैसा होगा? आह लेकिन अच्छा तो होगा ही है, बुरा बम हो गया। ओहो देख बाबर ये देख, आतम बम जैसा फटने वाला है, इसको फटने वाला है रे गाइस। तो ये हो गए हम लोगों का बेम्बू शूट, वाह ये तो रेडी हो चुका है। और अभी यहाँ पे बेम्बू से चावल बना रहा है, ठीक है ये भी होने वाला है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। गाइस काफ़ी रात हो चुका है और ये हमारा चावल और ये जो पोक जो रोस्ट किया हुआ है अंदर में कैसा है देखा नहीं है, जल गया होगा शायद थोड़ा तो, और ये बेम्बू शूट ताज़ा ताज़ा बॉयल। चलो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो यहाँ से ये मस्त खा लेता हूँ, उसके बाद सो जाएगा। गाइस आराम से खा लेगा हम लोग, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। चावल निकलता हूँ, अरे रे 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 देख देख देख, वाह मस्त आ गया रे। और ये खोल के देखता हूँ, अरे यार मस्त है रे, बड़ा ज़्यादा चल गया था, खा सकता है। वाव स्मेल बहुत अच्छा है इसमें, अभी ये गर्म गर्म कैसे निकलेगा इसको, गर्म लग रहा है यहाँ से थोड़ा पता लगे, ये करके निकलता हूँ।
गाइस देखिए ये बोग जो है ज़्यादा चलाया नहीं है, खा सकता है ठीक है, मतलब फोटो वीडियो में बहुत ज़्यादा चलाया हुआ देखा देख सकता है, लेकिन देख खा सकता है। चलो चलो गाइस शुरू करते हैं। यह रोस पोक जो है ज़्यादा टाइम भगा दिया मैंने, एक दिन खाने में अच्छा है। खाना खाने के टाइम इतना कृमि लगता है, लेकिन खाना खत्म होने के बाद आराम से सो जाएगा ना तो बहुत ठंड लगेगा। ठीक है इतना आसान है, चैप्टर क्लोज। गाइस एकदम मस्त खा लिया है, अभी हम लोग यहाँ पे आराम से सो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी भी सोने का भी मन नहीं है इतना नहीं जन्म, तो हम लोग थोड़ा सा मूवी देख लेता हूँ। मूवी देखने के बाद आराम से जब भी नींद आ जाएगा उस टाइम सो जाएगा और क्या। लेकिन देख बाप रे मिर्ची थोड़ा दो तीन पीस भी खाएगा ना तो इतना पसीना निकलता है, भाई तो पूरा चार पाँच पीस खाए लेकिन वो इतना पसीना नहीं निकलता है, लेकिन मेरा तो देख हालत खराब हो रहा है और ये सब मिक्स में पूरा चल रहा है मेरा। गाइस तो अभी थोड़ा सा मूवी देख लेता हूँ और उसके बाद आराम से सो जाएगा। गाइस अभी रात को कितना टाइम हो रहा है, 11:24 हो रहा है और मैं राजेश भाई और हम लोग अब लोग देख रहे हैं अभी तो मस्त। खाने का सामान ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इतना दूर जो जा रहे हैं पूरा पहाड़ी रास्ता, ज्यादा सामान लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जंगल के ऊपर भरोसे रहना पड़ेगा, जंगल से जो खाना मिले। तो ये ब्लॉग मिस नहीं होना चाहिए आप लोग गाइस, ट्रिप द वाइल्ड उसका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं, एकदम मस्त वीडियो है ये। गाइस काफी रात हो चुका है और देखिए मेरा छोटा भाई जो है मस्त सो रहा है यहाँ पे, और बाहर का थोड़ा दिखाता हूँ मैं, पूरा अंधेरा 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 दिखाई दे, अभी टाइम कितना हो रहा है, वहाँ पर 12:40 AM इन द मॉर्निंग। चलो गाइस मैं भी सो जाता हूँ, बाहर का ये क्या है रे, सोने से पहले थोड़ा चेक कर लेता हूँ, काफी रात हो चुका है कुछ तो नहीं है ना। मैं सामान भी ऐसा छोड़ दिया, शू वगैरह बारिश आएगा तो जाके उठा के रखना पड़ेगा। क्या हाल चल कर रहे भाई, तो गाइस अभी सोने का टाइम हो गया है, देखिए पूरा आंखें भी पूरा लाल लाल जैसा हो गया है, तो गुड नाइट गाइस, कल सुबह मिलते हैं। अभी हम लोग भी कम से कम चार पांच घंटा तो आराम करना चाहिए ना, इतना दिन में काम किया है, तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको स्वागत है। और गाइस देखिए मेरा भाई तो कैसा हालत में सो रहे देख, और गाइस मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था,
ऊपर में ऐसा ही फ्लैश लाइट ऑन करके रखा है अभी उतने के बाद, क्योंकि अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, देख तो अभी भी अंधेरा अंधेरा है। गाइस अभी इतना जल्दी उठ के भी क्या करेगा, और थोड़ा एक खंदा जैसा आराम कर लेता हूँ। लेकिन देख सुबह का नज़ारा थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे, ये पहाड़ में देखिए यहाँ पे क्या आगे हला करता है रे, क्या है इसमें, अरे बाप रे क्या है रे, वाह क्या चीज है यार, ये गाइस ये देख बाप रे बहुत बड़ा है, क्या बड़ा है गाइस देख, इसका वजह से उठा दिया मुझे। और ये तो देख अभी भी एकदम मस्त सो रही यार, चलो उसको सोने दे, ऐसा हालत में सो गया हम लोग गाइस देखिए। गाइस अभी सबसे पहले हम लोग चाय बना के पिएगा, तो चाय पीने के बाद हम थोड़ा आराम करेगा, उसके बाद जाके जंगल में थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाएगा। आज दिन में हम लोग बहुत ही मस्त घूमने जगह में घूमने वाले हैं, एकदम मस्त देखिए गाइस, थोड़ा धूप भी निकलने वाला है ऐसा लग रहा है, और रात में थोड़ा सा हल्का सा बारिश हुआ, लेकिन बाहर में दिखाता हूँ ये देख, थोड़ा सा हल्का सा बारिश हुआ लगता है कल रात, लेकिन अंदर में तो नहीं आया है। गाइस देखिए रात में हम लोगों का बिलो, ए भाई उठ, ऐसा हालात में छोड़ दिया है औरत। अच्छा हुआ कि ये सब लग रही अंदर में रख दिया, नहीं तो ये सब गीला हो जाता। देख सुबह सुबह में ये चिड़िया का आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है, वाह अरे तुम मस्त है रे, वाह अरे पूरा चाल पूरा वॉइस हो रहा है, वॉइस 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 वॉइस, ओ माय गॉड, वाह गर्मा गर्म चाय, गाइस जंगल में अगर आपका पास कप नहीं है तो ये पता है ना, तो ये से ये करके आराम से
कप बना सकते हैं ऐसा, तो मस्त कप निकल चुके हैं। अभी इसमें जायताल के हम लोग गाइस, चलो अभी हम लोग चाय भी लिया है और देखिए धूप भी निकल रहा है। शायद आज दिन में बारिश तो नहीं होगा, तो घर में लेके जाने के लिए बेम्बू शूट थोड़ने के लिए जा रहा है। सबसे पहले जाने का टाइम जंगल में जो भी देखेगा मैं आप लोगों को दिखाएगा, अगर देखेगा तो गाइस लेट्स गो। गाइस ये देखिए, ये फ्रूट्स है ना, ये देखने से वो राजेश भाई को याद आता है, हम लोग सुबह जो ब्रेकफास्ट खाया था ये वाला, वो इसको याद आता है। यहाँ पे भी इतना सारी फिट फ्रूट है, ये चीज़ें क्या हमें मिला है गाइस, देखिए कितना सारा चीज को तैयार है। वाह ये अच्छा बोला है ना, कौन सा है, अरे इसमें आने पानी, हाँ लेकिन ये अच्छा बोला है, अच्छा बोला है। जंगल का हिरन लोग ये आदि खाता है पका हुआ, खा सकते हैं। और इतना सारी है ऊपर में, तो मक्खी भी आ जाता है। मधुमक्खी है ना, नहीं है वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि बेम्बू में मधुमक्खी होता है। में लेके जाने के लिए ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हैं, हमारे पास सामान भी ज़्यादा है, तो
चार पांच पीस मिलने से हो गया। ये एक हो गया, तो एक पत्ता ले लेता हूँ। पत्ता यहाँ दे रखा हूँ, निकाल रहा जो हम लोगों ने बॉइल करके खाया था, ये वाला इतना अच्छा नहीं है। जो मिट्टी मिट्टी में इतना खट्टा से रहता है, वो वाला बॉइल करके खाने में अच्छा लगता है। ये लंबा वाला इतना अच्छा नहीं है। ये हो गया दो पीस, और दो पीस मिलने से हो जाएगा। ये हो गया तेल, ये वाला अच्छा है, ये वाला सबसे अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ज़्यादा लंबा वाला इतना अच्छा नहीं है। अरे यार ये बहुत सारे है, ये बॉइल करके खाने के लिए सबसे अच्छा ये वाला है। ये तो खट्टा खट्टा वाला निकलता है ना, सबसे अच्छा ये वाला है। इसको एकदम मिट्टी के अंदर से ऐसा करके लेना पड़ता है। ये और एक ये और जंगली का स्वर, ये सब आके खाता है। ये वाला अच्छा है, खट्टा वाला। ये खट्टा खट्टा वाला, और ये पसीना इतना निकल रहा है। जंगली का स्वर यहाँ से जाता है और आने का टाइम में भी यहाँ से आता है, क्योंकि उसका फोर्थ प्रिंस से पता चलता है। नदी पहुंच चुका है, गाइस इसका अंदर कुछ तो है गया यार। ये फोन से टॉर्च मार के देखता हूँ, ठीक है कुछ। गाइस यहाँ भी देखिए, एक चीज देखा है मैंने कुछ, लेकिन पता नहीं ये क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए क्या है यार। दिखने में जैसा मस्त, देखिए जंगल में घूमने के टाइम क्या क्या देखने को मिलता है, लेकिन इसका नाम तो मुझे भी पता नहीं है। खाने का चीज भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारी जिस जंगल में देखने को मिलता है। ऐसे हम लोग
बेम्बू सूट जो है जाके धो लेगा, इसलिए यहाँ से थोड़ा पानी भर के लेके जाएगा। टिंग लेन जा सकूँगा, बस उतना काफ़ी है, हो गया। चलो ये थोड़ा खट्टा लगता है, विनीगर जैसा, लेकिन इसको आराम से खा सकते हैं हम लोग। बहुत खट्टा है रे, लेकिन बाद में मुंह मीठा हो जाता है। ये शिवजी में हम लोग जब धुमाधुर बेम्बू शूट ये घर से छोड़ के आएगा तो इसको शिवजी में डाल के खा सकते हैं। ये बहुत खट्टा है। तो गाइस मेरा हालत देखिए, कपड़ा पूरा गीला हो चुका है बेम्बू शूट धोंदे धोंदे। और अभी हम लोग यहाँ से जाएगा, जो हम लोग बेम्बू शूट जो लिया है वहाँ पर छोड़ दिया है, तो पानी लेके जा रहा हूँ। वहाँ से थोड़ा सफाई करके पैक में भर के घर में लेके जाएगा। ज़्यादा बहुत है, लेकिन हम लोग ज़्यादा लेके नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से बहुत काफ़ी दूर जाने का है घर। तो आज सिर्फ 5-6 पीस लेके जा रहा हूँ। तो गाइस चलो कैंप में जाके मिलते हैं। गाइस फाइनली कैंप पहुँच चुका है और ये पानी लेके आया है, और ये बेम्बू शूट ऐसे बन के लेके आया है। तो इसको यहाँ से धो लेता हूँ। मैंने ये पत्ता ऑलरेडी बिछा के रखा है, यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। ज़्यादा मुँह खोल देगा तो घर में चला जाएगा। उससे बाहर जा रहा है वो। यार क्या हो गया रे, हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथ ब्रह्मानंदी, ये क्या हुआ? बालों पे पानी आ गया, मेरा कमछा भी खोल दिया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, दोबारा बनाना चाहिए। आहा तो गाइस यहाँ से हम लोगों का वीडियो एंड कर देता हूँ। छोड़ के जाने का भी मन नहीं है, लेकिन क्या करो, खाने का चीज़ इतना भी लेके नहीं आया घर से। तो अभी शाम को देर बज रहा है, शाम को बारिश भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक बार धूप निकलते है, एक बार ऐसा अंधेरा हो जाता है। तो ज़्यादा शाम होने से पहले हम लोग निकलता हूँ, ऐसा भी भूख भी लग रहा है। तो गाइस अगर ये वीडियो 50K व्यूज़ हो जाएगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे आके 2 रात 3 डे स्पेंड करके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएगा। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।